Hello, my dear students. How are you all? I welcome you all back to your history class. We were doing chapter number 6 of your history book, that is Bhakti Sufi Traditions, जिसमें हम पढ़ रहे थे change in religious beliefs के कैसे लोगों के religious beliefs with time change हो रहे थे और कौन कौन से new devotional texts आने लगे, कौन से time period में 8th to 18th century के time period के अंदर. इसी chapter का आज हम part 2 continue करने वाले हैं. In case आपने हमारा part 1 नहीं देखा है तो अभी जाके देखिए and do not forget to like and subscribe to our channel. Learn करो class 11 and 12. Okay. So, आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है दैट इज द वैष्णवा ट्रेडिशन इन कर्नाटका. कि कर्नाटका में एक न्यू ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ था जिसका क्या नेम था, वैष्णवा ट्रेडिशन. तो अब ये ट्रेडिशन क्या था उसी के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे. द 12th सेंचुरी विटनेस द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू मूवमेंट. यानी कि 12th सेंचुरी के टाइम पीरियड में एक नया मूवमेंट सामने आया कर्नाटका के अंदर. अब ये जो मूवमेंट था ये एक ब्राह्मण पर्सन थे जिसका नाम था बसवन्ना. तो बसवन्ना ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था. हु वॉज अ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ कलाचुरी रूलर. तो एक कलाचुरी रूलर थे, उनके कोर्ट में मिनिस्टर थे कौन, बसवन्ना. हिज फॉलोअर्स वर नोन एज वैष्णवास. अब जो बसवन्ना के जितने भी फॉलोअर्स थे उनको क्या कहा जाता था, वैष्णवास कहा जाता था. वैष्णवास का क्या मतलब है, हीरोज ऑफ शिवा. यानी कि ऐसे लोग जो अपने आप को शिवा से रिलेट करते थे और शिवा को बहुत ज्यादा उनकी पूजा करते थे और उनको मानते थे लॉर्ड शिवा को. और लिंगायतास, लिंगायतास कौन थे, द वेयरर्स ऑफ द लिंगा, जो कि लिंगा को पहनते थे. लिंगायतास कंटिन्यू टू बी एन इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी इन द रीजन टू डेट. यानी कि आज तक भी उस रीजन में जो लिंगायतास है वो वहाँ की एक बहुत इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी माने जाते हैं. दे वर्शिप शिवा इन हिज मैनिफेस्टेशन एज लिंगा. यानी कि जो लिंगायतास है वो शिवा की वर्शिप किस में करते हैं, जो शिवा का रूप है एज लिंगा उस फॉर्म में उनकी वर्शिप करते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, मेन यूजुअली वेयर अ स्मॉल लिंगा. अब ये जो लिंगायताज हैं उनमें जो मेन फॉलोअर्स हैं या जो मेल फॉलोअर्स हैं वो लिंगा पहनते हैं. इन अ सिल्वर केस ऑन अ लूप स्ट्रंग ओवर द लेफ्ट शोल्डर. यानी कि जो लिंगा होता है वो क्या होता है, एक सिल्वर केस होता है, एक लूप की तरह होता है जो कि वो अपने शोल्डर के ऊपर पहनते हैं. लिंगायताज बिलीव दैट ऑन द डेथ ऑफ द डिवोटी द डिवोटी विल बी यूनाइटेड विद शिवा. यानी कि जो लिंगायतास हैं वो ऐसा मानते हैं कि जब उनकी डेथ हो जाएगी तो वो शिवा के साथ यूनाइट हो जाएंगे एंड विल नॉट रिटर्न टू दिस वर्ल्ड. देयरफॉर दे डू नॉट प्रैक्टिस फ्यूनरी रीत सच एज क्रिमेशन. इसीलिए वो क्रिमेशन जैसी जो प्रैक्टिसेस हैं जो कि प्रिस्क्राइब्ड है हमारे धर्मशास्त्र में, डेथ के बाद जो भी सेरेमनीज हैं जो प्रिस्क्राइब करी गई हैं अकॉर्डिंग टू आवर धर्मशास्त्र, उनको ये फॉलो नहीं करते. इंस्टेड दे सेरेमनीली बरी देयर डेड. उसके अलावा ये कैसे बरी कर, ये क्या करते हैं, डेड बॉडीज को बरी कर देते हैं. द लिंगायतास चैलेंज द आइडिया ऑफ कास्ट. यानी कि जो लिंगायतास थे उन्होंने कास्ट सिस्टम को भी चैलेंज किया और जो कास्ट सिस्टम का जो नोशन था प्योरिटी और पॉल्यूशन का, उसमें जो पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट था उसको भी इन्होंने चैलेंज किया था. एट्रीब्यूटेड टू सर्टेन ग्रुप्स बाय ब्राह्मण्स. दे आल्सो क्वेश्चन्ड द थ्योरी ऑफ रीबर्थ. इसके अलावा उन्होंने जो रीबर्थ का कॉन्सेप्ट था उसको भी क्वेश्चन किया था. These won their followers amongst those who were marginalized. अब जब इन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया था कास्ट सिस्टम के प्रैक्टिसेस को तो धीरे धीरे इनके साथ और भी लोग जुड़ना शुरू हो गए थे. यानी कि इन्होंने फॉलोअर्स गेन करने शुरू कर दिए थे. मार्जिनलाइज विद इन द ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर. यानी कि इनके फॉलोअर्स में कौन था, ऐसे लोग जिनको साइडलाइन कर दिया गया था ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर की वजह से. द लिंगायतास ऑल्सो एनकरेज सर्टेन प्रैक्टिसेस डिसअप्रूव्ड इन द धर्मशास्त्र. यानी कि धर्मशास्त्र में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस दी गई थी जिनको लिंगायतास ने मानने से मना कर दिया था. वो प्रैक्टिसेस क्या थी, सच एज पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज एंड द री मैरिज ऑफ विडोज. यानी कि जो पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज का जो कॉन्सेप्ट था और जो री मैरिज ऑफ विडोज का जो कॉन्सेप्ट था उनको क्या कर दिया था, उनको धीरे धीरे एनकरेज करना स्टार्ट कर दिया था. Our understanding of the Vaishnava tradition, अब अगर हम Vaishnava tradition की बात करें, ये कहाँ से आया है, वचन से आया है. वचन का literal meaning क्या है, sayings encompassed in Kannada by women and men who joined the movement.
मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया, यानी कि नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से नए रिलीजियस ट्रेडिशन सामने आने लगे। इन नॉर्थ इंडिया दैती सच एज विष्णु एंड शिवा वर वर्शिप्ड, यानी कि जो विष्णु और शिवा थे उनकी बहुत ज्यादा पूजा होने लगी टेम्पल्स के अंदर। कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में। ऑफन बिल्ड विद सपोर्ट ऑफ रूलर्स, ये टेम्पल्स रूलर्स का उस टाइम पे जो किंग्स होते थे या रूलर्स होते थे उनका सपोर्ट लेके बनाए जाते थे। सम हिस्टोरियंस पॉइंट आउट दैट इन नॉर्थ इंडिया दिस वॉज द पीरियड व्हेन सेवरल राजपूत स्टेट्स इमर्ज, इस टाइम पे बहुत सारी राजपूत स्टेट्स भी इमर्ज हुई। इन मोस्ट ऑफ दी स्टेट्स ब्राह्मण्स ऑक्यूपाइड पोजीशंस ऑफ इम्पोर्टेंस, यानी कि ज्यादा इंपॉर्टेंस इन स्टेट्स में किससे मिलने लगी? ब्राह्मण्स को मिलने लगी। परफॉर्मिंग अ रेंज ऑफ सेकुलर एंड रिचुअल फंक्शंस, यानी कि ब्राह्मण्स का क्या रोल था? सेकुलर और रिचुअल फंक्शंस को परफॉर्म करना। देयर सीम्स टू हैव बीन लिटिल और नो अटेम्प्ट टू चैलेंज देयर पोजीशन डायरेक्टली, और उस टाइम पे कोई भी पर्सन ऐसा अटेम्प्ट नहीं कर सकता था कि वो ब्राह्मण्स की पोजीशन को चैलेंज कर सके। एट द सेम टाइम अदर रिलीजियस लीडर्स, उसके अलावा जो बाकी रिलीजियस लीडर्स थे वो डिड नॉट फंक्शन विद इन द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क, जो इस ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क, यानी कि ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क इसे कहा गया है कि ये जो कास्ट सिस्टम था जिसमें ब्राह्मण्स को टॉप पोजीशन अकॉर्ड की गई थी उसको मानने से मना कर दिया था, वर गेनिंग ग्राउंड, और धीरे धीरे ऐसे लोग बहुत ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे थे। मूविंग फॉरवर्ड दीज इंक्लूडेड इन नाथ्स, अब वो लोग कौन थे? जैसे कि नाथ्स, जोगीज एंड सिद्धास, मेनी ऑफ देम केम फ्रॉम आर्टिशनल ग्रुप्स। अब ये जो कास्ट थी ये कौन सी थी? आर्टिशनल कास्ट मानी जाती थी, इंक्लूडिंग वीवर्स, जिसमें कौन कौन थे? वीवर्स हु वर बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट विद द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राफ्ट प्रोडक्शन, यानी कि धीरे धीरे ये जो वीवर्स थे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे थे जैसे जैसे क्राफ्ट प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा था। मेनी ऑफ दीज न्यू रिलीजियस लीडर्स क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ वेदास, अब ये जो नए रिलीजियस लीडर्स थे इन्होंने किसको क्वेश्चन किया? वेदास की अथॉरिटी को, कि वेदास कितने ज्यादा क्या कहते हैं, कितने ज्यादा रियल हैं या कितना असेंस है वेदास के अंदर। वेदास की अथॉरिटी को चैलेंज किया कि वो कितने सही हैं। एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन लैंग्वेजेस स्पोकन बाय ऑर्डिनरी पीपल, और ऑर्डिनरी पीपल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने कौन सी लैंग्वेज में अपनी बातें कहनी शुरू करी? उन लैंग्वेजेस में जो उस टाइम के ऑर्डिनरी पीपल बोलते थे, विच डेवलप्ड ओवर सेंचुरीज इनटू द वंस यूज्ड Today, however, in spite of their popularity, these religious leaders were not in a position to win the support of the ruling elites. यानि कि ये common people के बीच में तो popular हो गए थे, लेकिन जो ruling elites थे, उनमें ये इतनी popularity gain नहीं कर पाए, उनका support ये नहीं जीत पाए थे। The coming of Sufi was a significant part of these developments. और इसी time period में क्या start हुआ? Emergence of Sufi tradition. अब हम बात करें न्यू स्ट्रैंड्स इन द फैब्रिक ऑफ इस्लामिक ट्रेडिशन की, इस्लामिक ट्रेडिशन में कौन कौन से नए स्ट्रैंड्स यानी कि कौन कौन से ऐसे न्यू कल्चर्स या न्यू प्रैक्टिसेस एड ऑन होने लगी थी। कॉन्टैक्ट विद द डिस्टेंट लैंड्स बियॉन्ड द सीज एंड माउंटेन्स हैड एग्जिस्टेड फ्रॉम मिलेनिया, ये तो हम जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि धीरे धीरे जो ट्रेड था वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड होता जा रहा था, सब रूलर्स अपना ट्रेड एक्सपैंड कर रहे थे और कॉन्टैक्ट्स बना रहे थे ओवरसीज ताकि वो इजीली ट्रेड सिस्टम को या ट्रेडिंग सिस्टम को फैसिलिटेट कर सके। अरब मर्चेंट्स फ्रीक्वेंट पोर्ट्स अलॉन्ग विद वेस्टर्न कोस्ट विद द फर्स्ट मिलेनिया, यानी कि अरब मर्चेंट्स ने भी बहुत ज्यादा ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी। व्हाइल सेंट्रल एशियन पीपल सेटल्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, उसके अलावा जो सेंट्रल एशिया के लोग थे वो कहाँ आके सेटल होना स्टार्ट हो गए थे? नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज में। From the 17th century with the advent of Islam, यानी कि 7th century के time period पे क्या आया? Islam का tradition सामने आया। These regions became part of what is often termed as Islamic world. तो ये जो subcontinent था northwestern part का, इसको धीरे धीरे क्या कहा जाने लगा? Islamic world. मूविंग फॉरवर्ड, अब अगर हम बात करें फेथ्स ऑफ रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स, यानी कि जो रूलर्स थे और जो उनके सब्जेक्ट्स हमने पहले भी पढ़ा है, सब्जेक्ट्स मतलब जो उनकी प्रजा थी, उनका क्या फेथ होता था, क्या उनके रिलीजियस बिलीव्स होते थे।
मुस्लिम रूलर्स वर टू बी गाइडेड बाय उलमा. अब जो मुस्लिम रूलर्स होते थे वो किसके हिसाब से चलते थे? उलमा के हिसाब से, हु वर एक्सपेक्टेड टू एंश्योर दैट दे रूल अकॉर्डिंग टू द शरिया. यानी कि वो उनको किसके अकॉर्डिंग रूल करना पड़ता था? शरिया या शरिया कोड के अकॉर्डिंग. दे पेड अ टैक्स कॉल्ड जिजिया. अब इसके अलावा जो उनका टैक्स होता था, जो वो पे करते थे किंग्स को, वो क्या कहलाता था? जिजिया. एंड गेन द राइट टू बी प्रोटेक्टेड बाय मुस्लिम्स, जिसके बदले में उनको क्या मिलती थी? रूलर से प्रोटेक्शन मिलती थी कॉमन पीपल को. इन इफेक्ट रूलर्स ऑफन अडॉप्टेड अ फेयरली फ्लेक्सिबल पॉलिसी टूवर्ड्स देयर सब्जेक्ट्स. यानी कि जो रूलर्स होते थे वो अपने सब्जेक्ट्स के साथ एक फ्लेक्सिबल वे में या फ्लेक्सिबल मैनर में ही काम करते थे. फॉर इंस्टांस, सेवरल रूलर्स गेव लैंड एंडोनमेंट्स एंड ग्रांटेड टैक्स एग्जेम्पशंस टू हिंदूज. यानी कि काफी बार ऐसा देखा गया है कि काफी ज्यादा मुस्लिम रूलर्स ने हिंदू जो उनके क्या कहते हैं प्रजा में जो हिंदू लोग होते थे उनसे टैक्स एग्जेम्प्ट किया है. जैन्स या फिर उनके अलावा जो जैन्स हो गए, ज़ोरास्ट्रियन हो गए, क्रिश्चियन हो गए या ज्यूश रिलीजियस को रिलीजन को प्रैक्टिस करने वाले जो लोग हो गए, एंड ऑल्सो एक्सप्रेस रिस्पेक्ट एंड डिवोशन टूवर्ड्स नॉन मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स. इसके अलावा उन्होंने जितने भी नॉन मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स हैं उनको वो रिस्पेक्ट भी देते थे. कौन? मुस्लिम लीडर्स. These grants were made by several Mughal rulers. अब ये जो grants थे या ये जो बड़ी बड़ी donations थी ये कौन करते थे? जो मुस्लिम रूलर्स होते थे, जैसे कि अकबर या औरंगजेब हो गए. मूविंग फॉरवर्ड, अब अगर हम बात करें द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम के, धीरे धीरे कौन कौन सी न्यू प्रैक्टिसेस इस्लाम में शामिल होने लगी. The developments that followed the coming of Islam were not confined to ruling elites. यानि कि इस्लाम में जो जो नए changes आ रहे थे, जो जो developments आ रही थी, वो सिर्फ ruling elites तक ही confined नहीं थी, बल्कि जो उसका जो domain था वो बहुत broad-based था. Amongst different social strata, यानि कि और जो social strata से belong करने वाले लोग थे, जैसे कि peasants, artisans, warriors, merchants, और इन ये सभी सेक्ट्स भी क्या हो रहे थे? इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे. ऑल दोज हु अडॉप्टेड इस्लाम एक्सेप्टेड द फाइव पिलर्स ऑफ द फेथ. यानी कि जो भी इस्लाम को अडॉप्ट कर रहा था वो फाइव पिलर्स को भी अडॉप्ट कर रहा था जो इस्लाम के थे. कौन से थे वो फाइव पिलर्स? दैट देर इज वन गॉड, दैट गॉड इज वन हु इज अल्लाह, एंड प्रोफेट मोहम्मद इज हिज मैसेंजर. और प्रोफेट मोहम्मद कौन है? अल्लाह के मैसेंजर है. Offering prayers five times a day. उसके अलावा उनको five times a day prayer करनी पड़ती थी, जिसको नमाज वो बोलते थे. Giving alms, यानी कि zakat. Fasting during the month of Ramzan. रमजान के time पे उनको fast करना पड़ता था. And performing the pilgrimage to Makkah. और अपने लाइफ टाइम में एक बार वो मक्का जाके, जो उनकी होली प्लेस मानी जाती है, वहाँ जाके offerings भी देंगे. Moving forward, the Khojas, a branch of Ismailis, a Shia sect, developed new modes of communication. अब ये जो Khojas थे, इन्होंने नए modes बना लिए थे communication के, disseminating ideas derived from the Quran. यानी कि Quran के हिसाब से ये चलते थे और वहाँ से ideas लेते थे through indigenous literary genres. इसके अलावा जो पुराने और इनके religious literary genres थे, वहाँ से ये लोग ideas लेते थे. Elsewhere, Arab Muslim traders who settled along the Malabar coast. अब इसके अलावा जो अरब मुस्लिम ट्रेडर्स थे वो कहाँ के रहने लगे थे? मालाबार कोस्ट के पास. उन्होंने, मालाबार कोस्ट कहाँ है? केरला में. उन्होंने लोकल लैंग्वेज वहाँ की अडॉप्ट कर ली थी, जो कि क्या थी? मलयालम. The complex blend of universal faith. अब हम धीरे धीरे क्या देखते हैं कि एक universal faith का एक blend बनता जा रहा था. Blend मतलब mix बनता जा रहा था with local traditions is perhaps best exemplified. यानी कि ये जो blend था इसमें क्या हो रहा था? Religion plus जो एक जगह का local tradition होता है, दोनों mix हो रहे थे. और ये बेस्ट एग्जाम्पलीफाइड किसके थ्रू है? आर्किटेक्चर के थ्रू, जैसे कि मॉस्क का जो आर्किटेक्चर हो गया उसके थ्रू. सम आर्किटेक्चुरल फीचर्स ऑफ द मॉस्क आर यूनिवर्सल. यानी कि कुछ जो आर्किटेक्चुरल फीचर्स हैं किसके? मॉस्क के, वो यूनिवर्सल हैं, हर जगह पे एक जैसे होते हैं. सच एज देयर ओरिएंटेशन टूवर्ड्स मक्का. यानी कि सब जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि वो मक्का एक बार जरूर जाएं. एविडेंट इन द प्लेसमेंट ऑफ मिरहब, प्रेयर नीच एंड द मिनबर, यानी कि पुलपित. मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे नेम्स फॉर कम्युनिटीज, यानी कि कौन से नेम्स कम्युनिटीज को दिए गए.
We often take the terms Hindu and Muslim for granted as labels for religious communities. यानी कि हम generally ये मानते हैं कि जो ये जो term है Hindu and Muslim ये religious communities को describe करता है. लेकिन historians इनको एक अलग point of view से देखते हैं. Historians who have studied Sanskrit texts and inscriptions dating between 8th and the 14th centuries. अब जो historians हैं वो क्या point out करते हैं? That the term मुसलमान और मुस्लिम वॉज वर्चुअली नेवर यूज्ड, कि मुसलमान या मुस्लिम जैसे टर्म्स तो कभी यूज हुई नहीं थी हमारी हिस्ट्री में. इंस्टेड पीपल वर ओकेजनली आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ रीजन फ्रॉम विच दे केम, यानी कि पिछले टाइम में तो लोगों को उनके रीजन से ही आइडेंटिफाई किया जाता था, ना कि उनके रिलीजन से. सो द टर्किश रूलर्स वर डेजिग्नेटेड एज तुरुष्का, यानी कि जो टर्किश रूलर्स थे तो टर्किश रूलर्स को क्या कह के बुलाया जाता था? तुरुष्का. तजिका वर पीपल फ्रॉम तजाकिस्तान, जो तजाकिस्तान से लोग थे उनको तजिका बुलाया जाता था. और परशिका किसको बुलाया जाता था? जो लोग पर्शिया से बिलोंग करते थे. यानी कि हम देख सकते हैं कि रिलीजन से ना डिनोट करके लोगों को किससे आइडेंटिफाई किया जाता था? फ्रॉम प्लेस फ्रॉम विच दे बिलोंग. Sometimes terms used for other peoples were applied to new migrants. यानी कि कुछ जो terms थी वो जो नए लोग जो migrate होके आते थे उनके लिए use की जाती थी. जैसे कि Turks and Afghans were referred to as Shakas and Yavanas. जो कि ये जो term थी Shakas और Yavanas, ये पहले किसके लिए use की जाती थी? Greeks के लिए. फिर इनको किसके लिए use किया जाने लगा? Turks और Afghans के लिए. A more general term for these migrant communities were Malecha. इसके अलावा इनको और क्या कहा जाता था? Malecha कह के बुलाया जाता था. Malecha का क्या मतलब है? Indicating that they did not observe the norms of caste society. यानी कि ऐसे लोग जो caste society को ना मानते हो and spoke languages that were not derived from Sanskrit, और ऐसी लैंग्वेज बोलते हो जो संस्कृत ट्रेडिशन से अडॉप्ट ना की हुई हो. And with this, we come to an end of our today's session. I hope आपने हमारा आज का ये session enjoy किया होगा. Learn करोगे premium subscription में, आपको मिलती है live classes from anytime, anywhere. आप कहीं से भी हमारी live classes enjoy कर सकते हैं. उसी के साथ साथ आपको सारा स्टडी मटेरियल PDF की फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाता है, तो आपको नोट्स की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. साथ ही साथ आपके सारे फेवरेट टीचर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होते हैं. उसी के साथ साथ लर्न करो के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको मिलती है लाइव क्लासेस फ्रॉम एनी टाइम एनी वेयर. आप कहीं से भी हमारी लाइव क्लासेस इंजॉय कर सकते हैं. उसी के साथ साथ आपको सारा स्टडी मटीरियल PDF के फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाता है, तो आपको नोट्स की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. साथ ही साथ अगर आपको अकेले पढ़ने में बोरिंग या मोनोटोनस फील होता है, देन डोंट यू वरी, बिकॉज हमारे यहाँ हम आपको एक पीयर ग्रुप में एनरोल कर देंगे, जहां पर आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं. उसी के साथ साथ हिस्ट्री के आंसर्स कैसे लिखने हैं, आंसर्स को कैसे लेंथ देने हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन में कितना शॉर्ट या कितना लेंथी आंसर लिख के आना है, इस तरीके की आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी मेरे साथ इसी प्लेटफॉर्म पे. हमारा जो ऑफिशियल ऐप है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड कीजिए. हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए. इसी के साथ हमारा पार्ट 2 ऑफ भक्ति सूफी ट्रेडिशंस यहीं पे एंड होता है. इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे द ग्रोथ ऑफ सूफिज्म के बारे में. एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.